मैं गुरदीप सिंह चीमा, चेयरमैन दशमेश पब्लिक स्कूल मेछली, जिला मोगा। अज आज़ादी के 75वें वरेगंढ से असं जोड़ा है समूह स्टाफ वालों स्कूल वालों देशवासियों लख लख मुबारकबाद दिने हैं। और जोड़ा अज का यह पवित्र दिहाड़ा इनू स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा बहुत ही सुचजे तरीके रंगा रंग प्रोग्राम के रूप के मना जा रहे हैं। और इन दिनों में तिया के त्यौहार होने करके असी जोड़ा तिया के त्यौहार में भी इस प्रोग्राम में शामिल कर जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जोड़ा स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा रंगा रंग प्रोग्राम के रूप में समूह देशवासियों आज़ादी के 75वें वरेगंढ से मुबारकबाद देने जा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। सज के आए हैं और नाल बच्चों ने जिहड़ा रंगा रंग प्रोग्राम तैयार किया भी सानू बेसब्री दे नाल इंतजार है। सो मैं बाला समा तुहाडे विच नाल लैंदा होया सारयां नू आज़ादी दे और तियां दे दिहाड़े ते मुबारकबाद दिना। परमात्मा करे साडा मुल्क तरक्कियां ते जावे, तुसी भी सारे वधिया एजुकेशन लैके अपना अपने मापियां दा स्कूल दा नाम रोशन करो। थैंक यू। तेरे गुण गावा कर कृपा, तेरे गुण गावा कर कृपा, तेरे गुण गावा कर कृपा, तेरे नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा कर कृपा, तेरे गुण गावा कर कृपा, तेरे गावा। अरे तेरे दर्शन को जाई बलहारे कर कृपा, तेरे गुण गावा कर कृपा, तेरे गुण गावा कर कृपा, तेरे गुण तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा कर कृपा, तेरे गुण कृपा, तेरे गुण गावा कर कृपा, तेरे गुण गावा कर कृपा, तेरे गुण गावा। Respected staff members,
अज का यह दिहाड़ा जड़ा साढ़े भारत का 75वां आजादी दिहाड़ा असी सैलीब्रेट कर रहे हैं। 1947 तक जां उस तो 200 साल पहला तो अंग्रेज़ों ने जड़ा अपने मुल्क ते राज कीता, पंजाब ते उन्हां 100 साल राज कीता और भारत ते 200 साल राज कीता। पंजाब ते जड़ा महाराजा रणजीत सिंह दी मौत तो बाद जड़ा अंग्रेज़ काबज होए और उन्होंने अपने भारतीयों के नाल माड़ा व्यवहार करना शुरू कर दिता। अपने देशवासियों हमेशा उन्होंने आपदे तो नीवा समझिया, जिदे करके भारत के जोड़े सूझवान लोग सी उन्होंने उन्होंने खिलाफ जोड़ा अंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों के समय में किसी वड्डी सरकारी अहुदिया के उत्ते सिर्फ अंग्रेज अफसर ही लगे हुए सन। सानू भारतीयों नू सिर्फ पीएम तक सीमित रखा जाता सी और कई थावां दे उत्ते उन्हां दा खाना भावें भारती तैयार करते सी पर जिहड़ा उन्हां नू सर्व करन वास्ते उन्हां दे इहो जिहे आटोमैटिक सिस्टम सी कि उह भारतीयों नू आपदे मत्थे नहीं सन लाउंदे। पर साडे गुरुआं ने उचारण किया मानस की जात सभ्य एक है पहचान बो, सो वो महाराज के हुक्म नूं लागू करने वास्ते साढ़े योध्या ने बहुत कुरबानियां कीतियां। महात्मा गांधी जी ने शांति दे नाल जिहड़ा अंदोलन चलाया, उधर भगत सिंह वर्गिया ने साढ़े शहीदां ने राजगुरु जी ने सुखदेव जी उन्होंने डंडे तो भी कम लिया। सो अज उन्हां महान शहीदां नूं जिथे असीं सिजदा करते हैं नमस्कार करते हैं उन्हां दी बदौलत सानू आज़ादी मिली है, असी बोल सकते हैं, बोलण दी आज़ादी, असी काम कर सकते हैं, असी किसी आपदी काबिलियत दे नाल किसी सरकारी उच्च अहुदे ते भी लग सकते हैं। सो ये साडे शहीदां दी बदौलत होया और उन्हां शहीदां नू नमस्कार करते हैं। ऑल ऑफ यू, वी आर फ्रॉम 6th क्लास, माय नेम इज मनीषा, माय नेम इज मंदीप। टुडे वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तेरी मिट्टी में मिल जावा। तलवारों पे सिर बार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सिर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महफूज, मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनाए मेरी वतना, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी हस्मत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीरन मेरी तू हस्ती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो,
मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। तेरी हो माई मेरी क्या फिक्र, तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी मैदानों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। भावे सारी दुनिया च जाके वेख लो उसने मुकाबला करा के वेख लो। भावे सारी दुनिया च जाके वेख लो उसने मुकाबला करा के वेख लो, फिर भी जे किसे नूं ए झूठ लगदा हर शत परियां बुला के वेख लो। सब सच रब दे द्वारा वरगा रूप कितने नी पंजाबी मुटे आदा वरगा। सारी दुनिया च जाके वेख लो उसने मुकाबला करा के वेख लो, भावे सारी दुनिया च जाके वेख लो उसने मुकाबला करा के वेख लो। सूट पाके जा पंजाबी आउण सामने तां होश गुम कर पैंदियां, लड़ मैं पूरी कायनात नूं वे जिथे पैर
सुना दो। शर्म से झुक गया है। इधर जलियांवाले बाग में हत्याकांड, इधर दादाजी की मौत। क्या अब भी हम शांत बैठे रहें?
हमें इन सब का बदला लेना होगा। बोलो साथियों, आपका क्या विचार है? लाला जी की हत्या हमारा राष्ट्रीय अपमान है, हम इस अपमान का बदला लेंगे। साथियों, मेरे विचार से जो देश अपमान सहता है वह तो हमें सैंडर्स को मार कर लाला जी की मौत का बदला लेना होगा। क्या हम देख नहीं रहे ब्रिटिश सरकार नित नए काले कानून पास कर हमें खूनी शिकंजे में कस देश पर अत्याचार कर रही है? क्या ब्रिटिश सरकार ने ट्रेड डिस्प्यूट बिल संसद में बलपूर्वक पास नहीं करा लिया? अब असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस होने जा रही है। अगर यह काले कानून पास हो गए तो हम पर भयंकर जुल्म होने लगेंगे। तो फिर आज हमें निर्णय लेना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें हमारी बात की जानकारी बाहर नहीं फैलनी चाहिए। साथियों, हमारा देश सैंडर्स को मौत के घाट उतारना है। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दिन हमें असेंबली में धमाका कर बहरी सरकार को अपनी आवाज़ सुनानी चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश आजाद हो सके। तो फिर आज हमें निर्णय लेना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अंग्रेज सरकार को यह साबित करना है कि हमारी रगों का खून अभी ठंडा नहीं है। हमें अंग्रेज सरकार को अपने देश से बाहर निकालना होगा। मैं असेंबली में बम फेंकूंगा और वहां खड़ा खड़ा अपनी गिरफ्तारी दूंगा, किसी ने हक्के को दंड ना मिले। मेरा विचार है कि असेंबली में पर्चे भी फेंके जाए और बड़े लोगों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता की जाए। मैं भी असेंबली में बम फेंकूंगा और वहीं खड़ा खड़ा अपनी गिरफ्तारी भी दूंगा। ठीक है, हम सभी से ऐसा कोई नहीं जो अपनी वजन में ना की जाए, और अगर असानु में रहकर आज्ञा का पालन करेंगे। आज हमें सैंडर्स को मार कर ठिकाने लगाना होगा। बाद में भगत सिंह और दत्त वहीं खड़े खड़े अपनी गिरफ्तारी देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलो, इसका तो काम हो गया। अब भक्त सिंह और जयगोपाल की बारी है असेंबली में बम और पर्चे फेंकने की। चलो, वो भी हो जाएगा। हो रहा है, यह हमारे लिए मान की बात है। भक्त सिंह, लगता है असेंबली में कोई बहस हो जा रही है, बम और पर्चे फेंकने का ये ही मौका ठीक है। ठीक है। बूम बूम बूम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आपने असेंबली हॉल में पर्चे क्यों फेंके? अंग्रेज सरकार हम भारतवासियों पर अत्याचार कर रही है। इधर जलियांवाले बाग में हत्याकांड, इधर लाला जी की हत्या, इसलिए हमने असेंबली हॉल में पर्चे फेंके। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आपने असेंबली हॉल में बम क्यों फेंके? अंग्रेज सरकार किसानों और मजदूरों पर अत्याचार कर रही है, इसलिए हमने असेंबली हॉल में बम फेंके। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब ऑर्डर ऑर्डर। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप इस समय कोर्ट के कमरे में हैं। मैंने आप दोनों के बयान सुन लिए हैं और आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मेरा फैसला सुरक्षित है, समय आने पर सुना दिया जाएगा। आज की कार्रवाई यहाँ पर ही समाप्त होती है। लाहौर का केंद्रीय कारागार, समय 23 मार्च 1931 का दोपहर। वातावरण शांत एवं उदासी से परिपूर्ण, हवा के झोंकों से शांत निचल खड़े पेड़ों से पीले पत्ते गिरकर शोर कर रहे हैं। रह रहकर प्रहरी के बूटों की पदचाप सुनाई देती है। बंदीगण बैरकों से बाहर इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे हैं। उधर दूर एकांत कक्ष में भक्त सैन लैलन की जीवनी पढ़ने में तलीन है। सभी बंदी अपनी अपनी बैरकों में चले जाएं।
जरूर मानका बाबा, बोलिए क्या बात है। बेटा अब तुम्हारा आखिरी समय आ गया है, परमात्मा का नाम ले लो, ये लो ये गुरबानी है, इसका पाठ करो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, बस बाबा वे परमात्मा भी क्या सोचेगा, वह सोचेगा, पहले तो उसने मुझे कभी याद नहीं किया, जब मौत सामने खड़ी है, मौत से डर कर मुझे याद कर रहा है, यह दुनिया के लोग मुझे कातिल और खुदगर्ज समझेंगे, बाबा मुझे ऐसे ही मरने दो। अच्छा बेटा, जैसी आपकी इच्छा। फरमान आया है, ठहरिए, इधर एक क्रांतिकारी की भेंट दूसरे क्रांतिकारी से हो रही है, चलो आ जाइए। रुकिए, हमको हथकड़ी ना लगाई जाए और हमारे चेहरे को कपोट से ना ढका जाए। आ जाइए। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। सुपरटेंट ओपन हैंडेड। सारे इनकी अंतिम इच्छा यही थी। मास्टर साहब आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप आजादी के दीवानों को हंसते हंसते फांसी चढ़ते देखोगे। जला साहब कृपा करके हमारे फंदों को ठीक कर दीजिए। कुर्बान नजर करते हैं, दिल फिला करते हैं, कुर्बान नजर करते हैं, पास जो भी कुछ है माता की नजर कर, पास जो है माता की नजर करते हैं।
मैंने. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट जशन एंड नवदीप फॉर सॉन्ग ऑन राखी. सो गिव अ बिग हैंड फॉर देम. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एज यू नो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन. वी आर फ्रॉम 6th क्लास. माय नेम इज जशनदीप कौर. माय नेम इज नवदीप कौर. Now today we are representing a beautiful song, the song Promise. Vire hunde maan pehna da na maan kise da tilke rab kade kise bandi rakhdi na kise veer de gut nu tarse na kise veer de gut nu tarse. खड़े तैयार वे डगला हद टोटिया सारे बचने
तेरे चैने उठ गए. To present this line in song, I would like to invite Jagdeep Singh for song Ki Banu Duniya Da. So put your hands together for her. And I represent a song by Gurdas Mann, Ki Banu Duniya Da. अजलां दे किराए ते ले ले के हीरा इश्के दी चादर करी जान लीरा होटल दे बेले च चूड़ी खवा के ए मजियां च राणी किधर जा रही है ए चढ़दी जवानी किधर जा रही है ए हुसनो दीवानी किधर जा रही है ਘੱਗਰੇ ਵੀ ਗਏ ਫੁੱਲਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਲੂ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਘੱਗਰੇ ਵੀ ਗਏ ਫੁੱਲਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਲੂ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੁਪੱਟੇ ਡੋਰੇ ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕੁੰਡ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕੁੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਚੱਲ ਪੇ ਵਲੇ ਤੀ ਬਾਣੇ ਕੀ ਬਣੂ ਕੀ ਬਣੂ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੇ ਹੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਮਟਕਾ ਕੂਹੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ ਤੁਮ ਤਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ ਖੇਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮਜਾਜਰੇ ਮਜਾਜ ਭੁੱਲ ਗਈ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੱਥ ਰੁੱਲ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਗਰੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਕੀ ਬਣੂ ਕੀ ਬਣੂ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਏ ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ ਉਹ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਚਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਚਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪੈਂਦੇ ਦੂਰ ਪਿਛੋਰਾਂ ਦੇ ਓਏ ਪੈਂਦੇ ਦੂਰ ਪਿਛੋਰਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਟੀ ਦਾ ਰਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਅੱਤ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡੋਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਣੀ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨੀਤ ਛੋਟੀ ਵਾਲਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਵੇ ਹਾਂ ਖੰਬਣੀਆਂ ਕੁਝ ਉਠੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਟੂਣੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵੇਖ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿੰਦਰ ਬਾਬਾ 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 ਸਾਨੂੰ ਟੂਣੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਟੂਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਓ ਨਿਆਣੇ ਹੋਰ ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪ ਫੇਰ ਪੁੱਛੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿੱਤਰ ਬਾਬਾ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਚੱਲ ਰਮਨ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਲੱਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਊਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਊਂ ਆਹ ਆ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਜੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਸ ਟੂਣੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਟੂਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਟੂਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟੂਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਗੁਰਦੀਪ ਪੁੱਤ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁੱਜਾ ਆ ਲੋ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਖੋਪੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਮਨ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਠੂਠੀ ਭੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਹੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਹਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇਸ ਟੂਣੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੜ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰ ਹੀ ਹੈ ਓਹੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਓ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਕਲਾਸ 8 ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੌਂਗ ਔਨ ਮਾਂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਾਈ ਆਨ ਦੇ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਔਰ ਮੱਚ ਦੇ ਮਰੀਦ ਹੈ ਪੱਥਾ ਤੇ ਬਰੀਦ ਹੈ ਟਾਪ ਦੇ ਜਾਨਾ ਤੇ ਦੇ ਰਾਨਾ ਰੀਬਨ ਪਗਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜੀ ਹੋਈ ਬੈਠਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਰਵੇਲੀ ਵਾਲੀ ਜਾਨਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਭੇੜ ਗਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਸ ਜੱਟ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮੇੜਾ ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜੀ ਤੋਰਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹਾ ਟਾਇਰ ਦੇ ਤੇ ਮੋਰਦੀ ਉਹ ਅੰਮੇੜਾ ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜੀ ਤੋਰਦੀ ਬੇਰੀ ਜਿਹਾ ਟਾਇਰ ਦੇ ਤੇ ਮੋਰਦੀ ਉਹ ਮਾਲ ਲਤਾਰਾ ਜਿਹਨਾ ਵਹਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਂਬਾ ਪਰ ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜੱਟ ਦੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਤਾਈ ਦੇ ਵੇ ਮਤਾ ਦੇ ਰਾਤ ਨਾ ਪਵਾਈ ਨਮੀ ਮਨੀ ਦਾਰ ਹੋ ਮਤ ਗਈ ਆ ਉਹ ਮਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਪੋਨੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਇਤਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਲੁਕਵਾਈ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਚੋਪਰਾ ਸਵਾਇਆ ਕੁੜਤਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕੈਮ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਰਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਏਦਾਂ ਵੀਰ ਕਾਨੇ ਮੁੰਡਾ ਕੈਮ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਰਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਬੱਲੀ ਆਏ